I'm very happy to be here. I would like to thank the Jagran Film Festival for having me here, for bringing me down to Bombay, and for presenting me with the award, the Special Jury Award. I'm very, very, very honored. Thank you so much. I can't hear you. As of right now, I'm busy working on my music with my band, so I've moved back home to Shillong for a while, and I'll be back next year, and maybe next year we'll start and see maybe if something comes up. Thank you so much. Yeah, they are making lovely films and they are screening for lovely films, very meaningful films. I wish them all the best. This is the 8th year. I hope many more years to come for them. Oh, I'm very happy. This is my Bollywood film, first Bollywood film. I made my debut here in Patel Ki Punjabi Shaadi, and people are liking the movie, people enjoy it, and it was a family drama, and I got launched along with Rishi Kapoor, Paresh Rawal, Veer Das. So I'm very excited that I got to work with the veteran actors where I had the chance to learn acting and how to be, what should be your mannerism, everything from them, being humble and down-to-earth person, loving, caring, supportive. It was lovely being the part of Patel Ki Punjabi Shaadi. Yeah, I'm doing a rom-com next. Details I'll tell you soon. Thank you so much. थोड़ा जोर से बोलना, सुनाई नहीं देता। क्या बताऊं? Well, the festival is great, and I'm quite happy to be part of it in some form. It travels around the world, I think. It travels all over India, and it's the world's largest traveling festival. Always good to encourage smaller films. Independent films, films which cannot really have that exposure on the mainstream. So it's great. Thank you. ये जागरण फिल्म फेस्टिवल है, इसमें आप क्यों किसी की पर्सनल बातें के लिए सवाल पूछते, मुझे समझ में नहीं आता। किसी की भी पर्सनल बातें हैं तो उनको करने दो। आप अपना फेस्टिवल कर रहे हैं तो फेस्टिवल के सवाल पूछो ना। ये ऐसे कैसे सवाल? हाँ, तो ये मंच है वो सवाल पूछने का, नहीं पूछना चाहिए ना ये सवाल। ये जागरण फेस्टिवल है, उसके सवाल पूछो ना। आप क्यों किसी की पर्सनल बात के बारे में सवाल पूछ रहे हो यहाँ पर? अच्छा, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और कुछ?
पूछ रहे हैं क्वेश्चंस? पूछा तो बोलिए, सुन ही नहीं रहा। हाँ आगे बस ये कहना चाहूँगी कि जागरण के साथ बहुत लंबा रिश्ता रहा है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, चाहे मेरी फिल्में हो यहाँ पर और आज जूरी के नाते यहाँ पर हूँ और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई होप द बेस्ट वन विंस। बहुत खास है क्योंकि बहुत सारी शहरों में अपनी फिल्में लेकर जागरण के ज़रिए गई हूँ और बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है और चाहूँगी ये बहुत और ज़्यादा एक्सपैंड हो और बहुत सारे शहरों में जाए। इंग्लिश हिंदी मेरे इतनी आवाज है। नहीं मैं तो जागरण के बारे में आप कहिए, मैं तो 10-11 साल से इन्वॉल्व हूँ एज ए मेंटर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक हर जो 8 टाउन्स नहीं है जहाँ मुमकिन नहीं है बच्चों को देखना या किसी को भी देखना एक तरह की का सिनेमा, हर तरह का सिनेमा है, उसको उसका प्रचार होना चाहिए, उससे एक ऑडियंस बढ़ती है, उससे लोगों की जागरूकता बढ़ती है, एक माहौल क्रिएट होता है, वंडरफुल। मुझे तो बहुत अच्छा लगता था, मैं हर जगह जाता हूँ, लखनऊ कानपुर हर जगह उनके साथ, तो मुझे बहुत मज़ा आया। नई अवार्ड फंक्शंस होने तब चाहिए जब उसका कोई अलग मकसद हो। कुछ ज़्यादा अवार्ड हो गए तो ये एक है, काफ़ी है ना, हम इसको ठीक करें और अच्छे से बनाएं और बहुत अच्छे है। फेस्ट अवार्ड जो है ना वो एक अलग बात है, अवार्ड जो है वो देने पड़ते हैं, कोई कुश्ती का दंगल तो होता नहीं है सिनेमा, तो एक तरह की फिल्म को दूसरी की तरह की फिल्म के साथ जज करना बड़ा मुश्किल काम है। फिर भी किसी न किसी को बेस्ट फिल्म मिलता है, लेकिन जो जितने भी लोग नॉमिनेट होते हैं ना वो सब विजेता हैं और उन सबको मेरी बधाई। मुझे आप सिनेमा ये सब मत बोलिए कौन एक्टर्स इससे, मुझे पता ही नहीं है। एक तो आप क्या कह रहे हैं, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं फिल्म की न्यूज़ पढ़ता ही नहीं हूँ भाई साहब, तो मुझे पता ही नहीं आप क्या कह रहे हैं, मुझे पता ही नहीं, कुछ नहीं पता। Hi. मैं इतना ही कहना चाहूँगा जागरण फिल्म फेस्टिवल में मैं फिल्में देखता रहा और इस साल मुझे जूरी पर रखा गया था शॉर्ट फिल्म के, तो भाई वो फिल्में जब देखी तब ऐसा लगा कि यार हमने तो फिल्में देखी नहीं, कहाँ सिनेमा पहुँच गया है। तो बहुत कहते हैं ना एनलाइटनमेंट, आई ओपनर, बहुत सारा ज्ञान मिला। एंड थैंक यू दिस एक्सपोजर फॉर दिस एक्सपोजर, इंटरनेशनल एक्सपोजर एंड मेकिंग मी वन ऑफ द जूरी एंड ऑनर। आई थिंक पहली बात तो ये कि अगर अलग अलग शहरों में जब आप एक फेस्टिवल को देखते हो तो मुझे ऐसा लगता है वैसे ही वो चाहते हैं कि फेस्टिवल का मज़ा पूरा देश ले उसका, ऐसा नहीं कि शहर है मुंबई है तो हुआ, दिल्ली है तो हुआ। मुझे लगता है हर जगह अगर ये फेस्टिवल पहुंच रहा है तो इसका मतलब है जागरण हम जिसे कहते हैं कि भैया वाकई में अवेयर करें, तो अवेयर किया जा रहा है और लोग अवेयर हो रहे हैं और पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा। अभी तक आप कौन से जॉनर बचे जिसमें आप काम करना चाहते हैं?
हॉरर 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 नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा पर सोच रहा हूँ। नहीं करना चाहिए, लोग जी रहे हैं, लोगों को जीने भी तो देना चाहिए। फोटो छापना छापो, उस पर डिस्कस बहस मत करो, करना नहीं चाहिए, नहीं करना। उनकी प्राइवेट लाइफ में वो खुश रहेंगे तो आपके लिए अच्छा परफॉर्म करें। Start speaking and they'll ask me questions. आप सवाल पूछोगे, right? नहीं। जागरण फिल्म फेस्टिवल में मेरी सबसे पहली जो फिल्म थी दिल्ली इन अ डे और मिसेस स्कूटर स्क्रीन हुई थी। ये अभी मुझे पता चला है कि 16 शहरों में जाता है वर्ल्ड सिनेमा लेके। इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रैवलिंग फिल्म फेस्टिवल। भारत को देखा जाए तो हम फिल्मों के लिए पागल है और पूरी दुनिया से जो भी सिनेमा आ रहा है और जागरण फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से ये छोटे छोटे शहरों में जा रहा है। सो इट्स लाइक अ बिग प्लेटफॉर्म फॉर पीपल टू एक्सपीरियंस टू सी गुड सिनेमा। ग्रेट इनिशिएटिव टू एजुकेट पीपल टूवर्ड्स वॉचिंग गुड सिनेमा एंड सपोर्टिंग गुड सिनेमा। सो इट्स जस्ट अमेजिंग। मुझे अवार्ड शोज़ के बारे में पता नहीं है, फिल्में अच्छी दिखाने वाले फेस्टिवल्स होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने चाहिए। हम बहुत सारी ख़राब चीज़ें देखते हैं सुनते हैं, तो ये जो क्लेंजिंग जो है अच्छी चीज़ों के लिए वो होना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब तो देखो, यूट्यूब का एक अपना कंटेंट है और यूट्यूब पे एक अलग से चीज़ें आएंगी, मगर फिल्मों का मीडियम अलग है, फिल्म एक अलग मीडियम है, अलग माध्यम है। तो इन दो चीज़ों को मिक्स मतलब हाँ, शायद पता नहीं, वो अपनी यूट्यूब के माध्यम से लोग अलग तरह से एजुकेट होते हैं, फिल्मों के माध्यम से लोग अलग तरह से इंस्पायर होते हैं। तो शायद मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा कि ये दोनों चीज़ें मिक्स कैसे होंगी। आठवां जागरण फिल्म फेस्टिवल है। पहली बात तो उनको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इस चीज़ की कि 8 साल से कंसिस्टेंटली ये चला आ रहा है और बहुत अच्छे से हो रहा है। दूसरी बात ये कि शायद मुझे लगता है कि वन ऑफ द जेन्युइन जो फिल्म अवार्ड्स हैं उनमें से एक मैं मानूंगा जागरण फिल्म फेस्टिवल को। बहुत ही एक अलग तरह की इनके इमेज है और उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले 8 साल भी इसी तरह से हैं। Sorry guys.
Hi guys, as we know, this is a Jagran Film Festival and this is the largest traveling film festival and I'm here to support the winner. Yeah, thank you. हाँ बिल्कुल होने चाहिए क्योंकि आई एम ऑल्सो डूइंग अ फिल्म जो कि एक स्मॉल टाउन शहरों की है सो आई थिंक छोटे शहरों को प्रोत्साहन देना बहुत ज़रूरी है बिकॉज हमारा रियल फ्लेवर उन छोटे शहरों में ही बसता है एंड नॉट ओनली छोटे शहर एवरीवेयर बड़ा शहर ऑल्सो बिकॉज इट्स अबाउट द फ्लेवर ऑफ इंडिया सो आई थिंक यार दिस काइंड ऑफ मोर फिल्म फेस्टिवल शुड बी सपोर्टेड यहाँ सो रांची डायरीज बिल्कुल धांसू फिल्म होने वाली है एवरीबडी इज गोइंग टू लव इट एंड ये स्टोरी एक लड़की की है गुड़िया की जो रांची की है विच इज़ प्लेड बाय मी और उस लड़की के बहुत ड्रीम्स हैं और आपको बहुत मज़ा आने वाला है यार ट्रेलर तो आपने देख ही लिया होगा गाने यू मस्ट बी इंजॉइंग जी ओके हमारी फिल्म रांची डायरीज रिलीज होने वाली है 13th अक्टूबर को और अभी एक गाना और आना बाकी है फैशन क्वीन आ गया है थोड़ा और अभी निकला है परसों आया है तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है मुझे लगता है कि रूमर्स तो होते रहते हैं इतना इस चीज़ को नहीं हमें एग्जैक्ट थैंक यू सर आप पूछेंगे सवाल मैं वहाँ पे मेमोराइज करके आ रहा था कि क्या बोलना क्या है सर आप अच्छा आप अच्छा आप वहीं से पूछेंगे अच्छा ठीक है आपको देखूँगा भाई अरे थैंक यू सर पहले तो मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि 8 साल और इतने फिल्में और इतने फेस्टिवल्स होते हैं कि बहुत कम फिल्म फेस्टिवल्स को अपना नाम बनाने को मिलता है और जागरण फिल्म फेस्टिवल इज़ वन ऑफ देम इट हैज़ मेड अ नेम एंड आई वुड लाइक टू से दैट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैव नॉट सीन और आई हैव नॉट बीन टू द फिल्म फेस्टिवल बट आई एम गोइंग टू गो नेक्स्ट ईयर फॉर श्योर आई नो इट स्टार्ट्स इन दिल्ली एंड इट गोज 16 सिटीज And it seems like a big round, but I've seen a couple of the films, Trap, Jolly LLB, Pink. So I definitely feel that one of these great films should win. So congratulations, Jagran Film Festival, and many, many more to come. Darshakon ko, zarur bolna chahunga. Main Ranchi Diaries pehle to October 13 tarikh ko release hone wali hai. So I am waiting ki aap sab aaye theater aur aap dekhein film. Aur dusri baat ye. कि रांची डायरी जो है वो हमारे यूथ के ऊपर है इट्स अ सिंपल लाइफ फिल्म जहाँ पर 5 लोग अपना सपना कायम करने के लिए वो निकलते हैं पर वो कहीं फंस जाते हैं और वो फिर वहाँ से उनकी कहानी शुरू होती है ये एक थ्रिलर है कॉमेडी है तो आपको बहुत मज़ा आएगा एंटरटेन होंगे आप लोग तो प्लीज़ अक्टूबर 13 को ज़रूर आइएगा सर सर आप फिर से बोल सकते हैं जी 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 सर आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है मुझे लगता है कि हमारी सिनेमा जो है एक बहुत ही अच्छे मोड पर है जहाँ पर रियल सिनेमाज रियलिटी सिनेमा जैसे आप समझ लो पिंक या ट्रैप्ड या हमारी फिल्म जैसे रांची डायरीज या बरेली की बर्फी या शुभ मंगल सावधान जो है ऐसी फिल्में आजकल बहुत चल रही हैं और लोगों दर्शकों को पसंद आ रही हैं तो मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में और बननी चाहिए रियलिटी के ऊपर और आई फील अब से लेकर अभी हम वर्ल्ड सिनेमा के तरफ जा रहे हैं तो इंडियन सिनेमा इज़ गोइंग टू बी वर्ल्ड सिनेमा वेरी सून एंड एक्चुअली इट इज़ ऑलरेडी यस सर कौन इंटरफेयर कर रहा है ऑडियंस इंटरफेयर कर रही है मीडिया इंटरफेयर कर रहा है मीडिया इंटरफेयर करेगी तो ऑडियंस इंटरफेयर करेगी है कि नहीं
तो ये इसके ऊपर मैं बोल नहीं सकता, सबका सबका पेट चलना चाहिए, हाँ सबको खाना मिलना चाहिए, तो दिस इज एवरीबॉडीज वर्क। अगर कुछ हमें छुपाना है तो हम छुपाएंगे, दिखाएंगे तो आप देखेंगे, है कि नहीं? सॉरी 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 बिजना भैया, यार आवाज़ नहीं आ रही, इधर इधर आ, इधर आ, इधर आ। एट फेस्टिवल है, यही अपने आप में बहुत कुछ बड़ी बात है, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी तो हमें अच्छी तरह याद है कि कैसे जागरण फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई और इन 8 सालों के अंदर कितनी इसको मान सम्मान मिला है। मतलब हर जगह से फिल्म जो है इस फेस्टिवल में आई हैं, दिखाई गई हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी फिल्में हों, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज़ की फिल्में हों, तो हमें इस फेस्टिवल में अलग अलग फिल्में देखने को मिलती हैं, उनके नैरेटिव्स देखने मिलते हैं, उन कंट्रीज़ के कल्चर्स देखने को मिलते हैं, हमारी कल्चर और हमारी ट्रेडिशन और हमारा स्टोरी नैरेटिव जो है वो बाहर के लोगों को पता चलता है। तो आई थिंक इट्स ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म, और स्पेशली इतने शहरों में होता है, और अब बम्बई जो है ये इसका आखिरी मुकाम है, तो मेरे को, मैं जागरण परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरह के फेस्टिवल जो पिछले 8 साल से वो कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं, और इससे जो है फिल्म कल्चर को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलता है। हेलो, बिल्कुल, ये जागरण फिल्म फेस्टिवल का 8वां साल है और मुझे हमेशा लगता है कि मैं एक फ़िल्म फेस्टिवल की प्रोडिजी हूँ। फिल्म फेस्टिवल ने मेरी करियर को बहुत अच्छी तरह की दिशा दी है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जर्नलिस्ट हो या फिल्म समीक्षक हो, सारे क्रिटिक्स से एक बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिलता है, और यहाँ पे आने वाली ऑडियंस वर्ल्ड सिनेमा देखने वाली होती है। तो जागरण फिल्म फेस्टिवल के 8वें साल पे मैं उनको बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ, एंड थैंक यू वेरी मच। अगर शॉर्ट फिल्म की बात की जाए तो मेरी अपनी फिल्म जिसका नाम था चैत्र, ये क्रांति कानडे की शॉर्ट फिल्म थी, और उस फिल्म ने मुझे मेरा पहला नेशनल अवार्ड दिया था, और क्रांति जी को और भास्कर चंदावरकर जी को भी नेशनल अवार्ड दिया था। तो बहुत प्राइड फीलिंग आती है, प्राउड फीलिंग आती है जब छोटी छोटी फिल्मों को भी नेशनल अवार्ड्स में हिस्सा लेने का मौका मिलता है, और उसको भी इतनी अच्छी ऑडियंस मिलती है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सिंघम के बाद मेरी एक बहुत अच्छी फिल्म आई, जो कमर्शियल फिल्म थी, जिसका बिल्कुल कह सकते हैं, और जिसका नाम है पोस्टर बॉयज़, और उसको बॉक्स ऑफिस पे अच्छा प्रतिसाद मिला, ऑडियंस की भी काफ़ी प्रशंसा मिली। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी फिल्में करूं और आपका मनोरंजन करती रहूं। मुझे लगता है कि ये स्टार होने की कीमत है, और मैं रणबीर कपूर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो उनको अगर ट्रोलिंग होती है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। थैंक यू। हाय, 8 इयर्स जी, बहुत अच्छी बात है। माई हार्टेस्ट कंग्रेचुलेशंस टू द होल टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ जागरण फिल्म फेस्टिवल। आई थिंक जो कॉन्सेप्ट इसके पीछे है वो बहुत ही बेहतरीन है, कि आप वर्ल्ड सिनेमा को छोटी छोटी सिटीज़ में लेके जाते हैं। सो एज आई सेड, बेस्ट विशेस फॉर द नेक्स्ट आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स, एंड कंग्रेचुलेशंस। एट
اس طرح کے فیسٹیولس؟ ہاں بالکل ہونے چاہیے, کیونکہ آئی تھنک پوری دنیا میں کس طرح کی فلمیں بنتی ہیں, کتنی ساری فلمیں بنتی ہیں اور کس کوالٹی کی فلمیں بنتی ہیں, یہ ایک ذریعہ ہے لوگوں تک پہنچانے کا, چھوٹے شہروں تک پہنچانے کا, جو شاید بالی ووڈ سے آگے یوزلی یا ریجنل سنیما سے آگے یوزلی نہیں سوچتے ہیں یا نہیں کچھ دیکھ پاتے ہیں. سو آف کورس ایسے فیسٹیولس اور بھی ہونے چاہیے اور بالکل ہونے چاہیے. جی سوری مجھے سمجھ نہیں. ہاں میرا ٹیک یہی ہے کہ سیلیبس کو تو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہیں کیونکہ لوگ بہت پرسنل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ ایک پلیٹ فارم جو دیا گیا ہے لوگوں کو اپنے اوپینینس کمیونیکیٹ کرنے کا, لوگوں کو اس کو بہت رسپانسبلی یوز کرنا چاہیے اور بہت ہی پرسنل اوپینینس اور ایڈوائسز اور سجیشنز اپنے تک ہی سیمت رکھنے چاہیے, اور کیونکہ لوگ پبلک پرسنالٹیز ہیں تو لوگ ان کو زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں. میرے خیال سے یہ بالکل صحیح نہیں ہے. تھینک یو. I have a film called Raita with Irfan Khan which is ready for release and uske alawa bahut jald kuch aur announcements honge. Thank you. Hello, kaise aap? Hi. جاگرن میرے لیے بہت ہی خاص میں نے رکھتا ہے کیونکہ میری جو پہلی اوارڈ تھی نلبٹے سناٹا کے لیے, میری پہلی پکچر اور میرا پہلا اوارڈ بیسٹ ڈائریکٹر کے لیے ملا تھا مجھے جاگرن میں. سورا کو بھی بیسٹ ایکٹریس ملا تھا جاگرن میں فور نلبٹے سناٹا, تو اسی لیے میرے لیے بہت خاص ہے اور آج بھی میں اسی امید کے ساتھ آئی ہوں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے مجھے کچھ مل جائے گا یا میری پکچر کو کچھ مل جائے گا, اگر ملا تو بہت اچھا ہے, پر میرے لیے جاگرن بہت ہی خاص ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بریلی کی برفی نامنیٹ ہوئی رہے گی, کہاں تو نہیں بھی ملے گی تو پرابلم نہیں ہے, ایٹ لیسٹ ہے یہاں پہ سیما جی آئی ہوئی ہے تو مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ لگ رہا ہے ابھی. سوری I am not an actor اور میں ایک ڈائریکٹر ہوں, تو مجھے اتنا میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ایوری ون ہیز اے رائٹ ٹو اوپینین اور سب کو ایک ہمارا دیش ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور سب کو ایک اوپینین ہے سب کے پاس, تو جس کی جیسی مرضی جس کو جیسا بولنا ہے وہ بول سکتا ہے. Nothing like that yet. It's all rumors. No, not yet. I'm writing something though. Surprise. Good evening everyone. Good evening. Hello. Ji. جی میں بہت خوش ہوں یہاں پر آ کے, جو کہ لاسٹ اوارڈ نائٹس ہے میرے خیال سے, جو کلوزنگ سیرمنی ہے. آئی تھنک اٹس گیونگ اے گریٹ پلیٹ فارم ٹو یو نو آل دی اسٹیٹس اینڈ یو نو لاٹس آف فلمس, بیکاز دا تھنگ از دیٹ دا کلچر از سو اسٹرانگ ان انڈیا, سو کمنگ فرام دا فلمس کمنگ فرام ڈفرنٹ اسٹیٹس, آئی تھنک اٹس یو نو گڈ فار ایوری ون, بیکاز وی آر گیٹنگ ٹو سی you know those rooted cinemas, those rooted stories and everything, so I think that's a great thing. I'm really looking forward to it. Sorry, meri upcoming movie actually agle saal aayegi, abhi to main kuch bahut zyada abhi bol nahi paunga, lekin main sirf itna keh sakta hu ki agle saal aayega. Ji
मैं उसके बारे में क्या कहूँ, एक्चुअली एक्चुअली दैट टू पर्सनल लाइफ में इतना इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी भी एक लाइफ है और सबको राइट है अपने अपनी लाइफ अपने अपने तरीके से यू नो जीने के लिए. सो आई थिंक हम लोग को बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. सो आई थिंक इट्स देयर लाइफ, इट्स देयर यू नो व्हाटएवर. सो आई थिंक वी आर नो वन टू से एनीथिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू. नमस्कार जी. बिल्कुल बोलना चाहूँगी कि जागरण फिल्म फेस्टिवल एक बहुत ही कमाल मुझे लगता है, इसलिए क्योंकि मैं तो तीसरी बार इसमें ज्वाइन कर रही हूँ, क्योंकि मेरी खुशकिस्मती ऐसी है कि आंखों देखी भी दैनिक जागरण में दिखाई गई, उसके बाद दम लगा के हिशा भी दिखाई गई, और इस बार तीसरी बार बरेली की बर्फ़ी भी. तो मैं तो समझती हूँ कि मैं काफ़ी बड़ा हिस्सा बन गई हूँ अब जागरण फेस्टिवल का, और मैं चाहती हूँ कि हमेशा हमेशा इसी तरह से ये जिस रास्ते पे जा रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे शहर, इतने सारे शहरों से होती हुई फिल्में, और वो भी उन्हीं की फिल्में, जो छोटे छोटे शहरों की फिल्में, उनकी कहानियाँ, उन तक पहुँचने का जो सिलसिला जागरण ने किया है, मुझे लगता है ये सिलसिला बहुत खूबसूरत है और ये इंडस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है ये चलता रहना चाहिए. थैंक यू. थैंक यू. सो हाई एवरी वन. सबसे पहले आई एम पल्लवी दास. मैं अपनी डेब्यू करने वाली हूँ विद उम्मीद मूवी, जो कि आ रही है एक दो महीने में. इट्स अ मेडिकल थ्रिलर एंड द रिलीज डेट विल बी अनाउंस सून. नाउ अबाउट जागरण, इट्स अ अमेजिंग प्लेटफॉर्म आई थिंक फॉर शॉर्ट फिल्म एंड ऑल काइंड ऑफ फिल्म विच वी डोंट गेट टू सी, और यहीं पर एक प्लेटफॉर्म में हमें देखने को मिलेगा. सो दैट्स अमेजिंग एंड आई रियली विश इट ऑल द बेस्ट. ऐसा तो ज़्यादा प्लेटफॉर्म है नहीं, आई थिंक एटलीस्ट आई डोंट नो ऑफ मच एंड आई एम वेरी न्यू टू इट. सो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म कि हर फेस्टिवल में आई थिंक हमें शॉर्ट फिल्म और इतनी सारी ऑल ओवर द वर्ल्ड की फिल्म नहीं देखने को मिलती है. सो आई थिंक दिस इज़ वन प्लेटफॉर्म वेयर एवरी थिंग इज़ टुगेदर एंड इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. मैंने देखी नहीं है. आई मीन आई हर्ड ऑफ इट बट आई हैवन सीन द पिक्चर, तो मैं कुछ बोल नहीं सकती. थैंक यू. सॉरी. भाई 8 इज आवर नंबर, लकी नंबर, एंड जागरण फिल्म फेस्टिवल इज ग्रोइंग एवरी ईयर इन साइज इन पॉपुलैरिटी. एक बहुत अच्छा एफर्ट है एंड वी आर वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड. और फिल्म से हम बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं, और ये हमारे लिए इस साल 8 नंबर इसलिए भी लकी है क्योंकि पहली बार हम लोग इस साल जूरी में हैं, और हमें मौका मिला सब फिल्म देखने का और अपनी मनपसंद फिल्में और किरदारों को और टेक्निकल जो यूनिट होती है उनमें से अपने चुनिंदा लोगों को वोट देने का. सो ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य था. सो जागरण फिल्म फेस्टिवल को बहुत बहुत धन्यवाद और साथ साथ बहुत बहुत बधाई कि एक हिंदुस्तान में 8 साल के अंदर इतनी एक अवार्ड्स की पहचान बना लेना बहुत बड़ी बात. थैंक यू. सर आपका सवाल कुछ है? जी सर. सर जागरण फिल्म फेस्टिवल से के बारे में स्पेशली ये कहना चाहूँगा कि इस फेस्टिवल से मेरा जुड़ाव इसलिए ज़्यादा है कि मेरी पहली फिल्म जो थी फिल्मिस्तान मुंबई में सबसे पहले इसी फिल्म फेस्टिवल ने दिखाई थी, और मैं इसलिए इमोशनली इस फेस्टिवल को के साथ जुड़ा हुआ हूँ. और फेस्टिवल कोई भी हो, फिल्म फेस्टिवल एक
बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है उन फिल्मों को दिखाने का जो इजीली अवेलेबल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है। तो आप लोग जो एक्टिविटी कर रहे हैं और इतने ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। और ऐसे ही फेस्टिवल आपका फलता फूलता रहे। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आप इसको ट्रैवल करते हैं, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ या दूसरी जगहों पर तो फिर भी लोग देख लेते हैं फिल्में, छोटे शहरों में जैसे भोपाल या दूसरी जगहों पर वो आपका बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है जो इसको बाकी फेस्टिवल से डिफर करता है हिंदुस्तान के अंदर। तो मेरी शुभकामनाएं जागरण फिल्म फेस्टिवल को, बहुत अच्छा करें, बहुत बेहतर करें, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जागरण फेस्टिवल मेरा मोस्टली कई बार आना होता है हर साल, और जिस तरीके से हर शहर में और जिस तरीके से फिल्में दिखाई जाती हैं तो एक अवेयरनेस बढ़ रही है आम लोगों में। एक अच्छी फिल्मों की अवेयरनेस बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ है जागरण का, और मैं तो उम्मीद यही करता हूँ कि धीरे धीरे अपनी जो लिगेसी बनाई है वो कायम रखें, आगे इसी तरीके से काम होता रहे। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शहर कस्बे हैं जहाँ पे वो फिल्में नहीं पहुँचती, लेकिन इनके थ्रू जागरण फेस्टिवल के थ्रू फिल्में वो देख पाते हैं। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि एक बज़ मिलता है फेस्टिवल से फिल्मों को, और उसके बाद यहाँ पे लोगों में एक अवेयरनेस बढ़ती है उन फिल्मों को लेके। अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल होता है, छोटी फिल्म को रिलीज़ करना ही बहुत मुश्किल होता है, बट बिकॉज ऑफ फेस्टिवल्स उनकी वजह से एक ऑडियंस तैयार हो जाती है। नहीं, अभी कोई इसमें सच्चाई नहीं है, लेकिन मैं उनके साथ फिल्में कर रहा हूँ। कौन किसको कास्ट करेंगे अभी मुझे नहीं मालूम, अभी वो तय भी नहीं हुआ है, बहुत जल्दी मालूम हो जाएगा। बट अभी ऑफिशियली हमारी बात चल रही है फिल्म करने की, और ऑफ कोर्स मैं विशाल जी के साथ मेरा हमेशा मन रहा है उनके साथ काम करने का। थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत खुशी की बात है क्योंकि इस फेस्टिवल के ज़रिए जो कि 16 सिटीज़ में ट्रैवल करती हैं तो उन फिल्मों को देखने का मौका मिलता है जो कि इंटरनेशनल हैं, जो कि रीजनल हैं, जो कि हिंदी सिनेमा की हैं। एक साथ जब आप फेस्टिवल में फिल्मों को देखते हैं तो उस साल में और उसके प्रीवियस साल में सिनेमा कहाँ रुझान ले रहा है उसका आपको एहसास होता है। और मैं जागरण न्यूज़पेपर्स को बहुत मुबारकबाद देती हूँ उनके इस एफर्ट के लिए, और उम्मीद है कि और कामयाब होता जाएगा।
हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे खुशी है कि जागरण इस तरह के आयोजन कर रहा है, और इस तरह जैसे जागरण है और दूसरे जो हमारे यहाँ इस तरह के पेपर्स हैं जो कि सीरियस जर्नलिज्म करते हैं और जिनका समाज पे पूरी नज़र है, वो सिनेमा की तरफ भी देखें और सिनेमा को भी इस तरह से इनक्रेज करें, अच्छे सिनेमा को, ये बहुत ज़रूरी है, बड़ी अच्छी बात। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल, बहुत से हो रहे हैं। होता क्या है कि ये कुछ लोगों ने तो अलग एक कारोबार उसे बना दिया है, मगर जागरण एक दूसरी चीज़ है। तो मुझे खुशी की बात है कि इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन है वो इसमें आ रहा है। भैया मुझे तो मालूम नहीं किसका किसके साथ फोटो शेयर किया गया, वो इम्पोर्टेंट नहीं। हेलो, हिंदी या इंग्लिश दोनों? वेल, मैं कहना चाहूँगी कि जागरण फिल्म फेस्टिवल एक बहुत ही कमाल का जो इनिशिएटिव है, एंड मैं काफ़ी मतलब पिछले कुछ सालों से जागरण फिल्म फेस्टिवल अटेंड कर रही हूँ। मेरी फिल्मों को बहुत सपोर्ट मिला है जागरण ग्रुप से और इस फिल्म फेस्टिवल से, क्योंकि नील भट्टे पिछले साल इस फेस्टिवल में शामिल थी और मुझे पिछले साल नील भट्टे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला था, और वो मेरा पहला अवार्ड था नील भट्टे के लिए, सो बहुत स्पेशल था। एंड इस साल मेरी फिल्म अनारकली ऑफ आरा जागरण फिल्म फेस्टिवल में है, और एक बहुत ही पर्सनल सी बात है, और वो ये कि मैं अनारकली ऑफ आरा के जो निर्देशक थे उनसे पहली बार जागरण फिल्म फेस्टिवल में मिली थी। सो आई थिंक कि जागरण फिल्म फेस्टिवल इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड आई थिंक कि बहुत अच्छी बात है कि अच्छा और अलग अलग किस्म का सिनेमा जागरण फिल्म फेस्टिवल सिर्फ जो बड़े शहर हैं और मेट्रोपोलिसिस हैं उनमें ही नहीं, बल्कि जो टीयर टू सिटीज़ हैं और जो थोड़े छोटे शहर हैं जिन्हें शायद कुछ इन फिल्मों को देखने का मौका ना मिले, उन दर्शकों तक भी अच्छी और अलग किस्म की फिल्में पहुंचा रहे हैं। सो दैट्स रियली फैंटास्टिक। ये मुझे आपसे पता चल रहा है, सो अगर मिल रही है तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी, आई विल बी वेरी एक्साइटेड। बट हाँ, मेरी फिल्म जागरण फिल्म फेस्टिवल में कॉम्पिटिशन में है, तो मैं बहुत उम्मीद रख रही हूँ। वेल, मुझे लगता है कि डेफिनेटली ऐसे फिल्म फेस्टिवल्स और होने चाहिए, बट एंड मुझे लगता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ बहुत सारी कहानियाँ हैं, और इसलिए और हम एक ऐसे लोग हैं, हमें कहानियाँ बहुत पसंद हैं, तो आई थिंक कि ये कोई मायने नहीं रखता कि कौन कहाँ पैदा हुआ है। आई थिंक कि अगर आपके पास अच्छी कहानी है तो वो कहानी हर किस्म के सरहद को पार करती है, चाहे वो छोटे शहर और बड़े शहर का सरहद हो, या वो यू नो देशों का सरहद हो, या वो संस्कृति का सरहद हो। सो आई थिंक कि जागरण फिल्म फेस्टिवल जैसे और कई इनिशिएटिव होने चाहिए। मुझे लगता है कि जो लोग घटिया लोग होते हैं वो किसी भी प्लेटफॉर्म को घटिया बना देते हैं, तो जो ट्रोल्स होते हैं वो घटिया लोग होते हैं, और इसलिए वो अपनी असलियत जहां उन्हें मौका मिले वहां दिखाते हैं, और जब आपके पास कोई तर्क नहीं होता तब आप गाली देते हैं। तो थैंक यू। I'm really happy to be here at the 8th Jagran Film Festival with my film Dr. Rakhma Bai, and today is the awards night, it's the closing night, and I'm really looking forward to that. Dr. Rakhma Bai was screened in Delhi as well as in Mumbai, and we had a fantastic response, and really really looking forward to a very special evening today. Thank you for having us here. What was the kind of feeling
I think Jagran is a very special film festival because it's a traveling festival. That's a very unique quality that it's sort of you know doing. I think it's a very good thing that it takes all these different kinds of films, international films, regional films, and various other Hindi films also to tier two cities as well, and to various cities where sometimes these films don't actually get a release. So it's a fantastic initiative to showcase different kind of cinema from across the globe and actually nurture film viewing in the Indian audiences and by that actually have a very healthy exchange of culture. Thanks.